जान, आज हमारा जो दूसरा पावरफुल रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को सबसे पहले हम नेचर में देखेंगे कि नेचर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमें कहां पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो नेचर में आप जब देखते हो, सपोज आप स्पेस में हो, स्पेस में आप गैलेक्सी की बात कर लो, तो हमारी गैलेक्सी में तकरीबन कोई अरबों सितारे मौजूद हैं जिनमें एक सितारा सूरज भी है, ठीक है, एक सितारा सूरज भी है। अब सूरज के अंदर क्या बहुत ज्यादा लकड़ियां पड़ी हुई हैं, क्या बहुत ज्यादा कोल पड़ा हुआ है, क्या बहुत ज्यादा पेट्रोल है कि इतने हजारों सालों से ये जलता ही आ रहा है। और साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि मजीद तकरीबन ये 7 अरब साल मजीद ये जल सकता है, 7 अरब साल। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, तो उसको देखने के लिए जब मेरा बेटा इसकी कोर में जाके देखा गया, कोर मतलब इसके बिल्कुल इनसाइड जाके, तो इसके कोर में ये चीज ऑब्जर्व की गई, ये चीज नोट की गई कि दो छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। और वो जो छोटे न्यूक्लियन सूरज पे होने वाले रिएक्शंस की बात तो मैं बात कर लेंगे, जैसे कि अगर आप बात करो जी H2, H3, ये दो छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस लाइक हीलियम बना देते हैं। और हीलियम क्या होता है, Hg2O4। अगेन मेरा बेटा, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें दो छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हैवी न्यूक्लियस, और साथ क्या रिलीज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हम ये कंपैरिजन भी करेंगे कि फिशन रिएक्शन में ये हीट एनर्जी ज्यादा पैदा होती है या फ्यूजन रिएक्शन में होती है। और सबसे पहली बात, जैसे कल भी बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट या जितने लोग हैं वो इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी को कंट्रोल किया जाए, मैक्सिमम इसी को अचीव किया जाए ताकि हमें किसी और एनर्जी की जरूरत ना हो। अब मेरे बेटे, सबसे पहली बात हम यहां पे इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो अभी हमने कह लिया कि ऐसा प्रोसेस इन विच टू अटोमिक न्यूक्लियाई, इन विच टू अटोमिक न्यूक्लियाई कंबाइन आपस में मिलते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। एक हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए ऐसे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में आपने देखा कि स्प्लिट हो रहा था हमारा, जैसे कि यूरेनियम की बात कर रहे थे मेरा बेटा, स्लो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करने से। अब मेरे बच्चे, हमारे पास देयर आर सो मेनी पॉसिबल रिएक्शंस, तो कुछ पॉसिबल रिएक्शन की बात करेंगे, फिर सूरज में होने वाले रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है। तो पॉसिबल रिएक्शन में सबसे पहले दो हाइड्रोजन का मतलब ड्यूट्रियम का मिलना, H2O+H2O, दो छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस जैसे कि बना देंगे हीलियम Hg2O4, और 7 अमाउंट ऑफ हीट 24 मेगा क्या होता है, 10^6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेंगे। इसको याद करने का जो तरीका कार है या शॉर्टकट आप देख सकते हो, तो आप इसको लिख लो DDHE, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम और क्या बनता फिर उससे, हीलियम, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद एक और पॉसिबल रिएक्शन, मतलब 3 से 4 पॉसिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि जो हो सकते हैं, फिर आप दोनों ड्यूट्रियम को मिलाओ, यही चीज, जरूरी नहीं कि हीलियम ही बने, ट्रिटियम भी बन सकता है, H3O1 इधर आ गया हाइड्रोजन, और साथ ये अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज करेगा वो 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसमें होगी मेरा बेटा 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप कैसे कर सकते हो, DD, ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम, तो क्या बना आपके पास, ट्रिटियम, और साथ क्या बन रहा है, एक प्रोटॉन, पॉसिबल रिएक्शन में ये दोनों आपस में मिलकर कौन सी क्या बनाएंगे, H1 to H3, पहले तो हीलियम बन जाएगा, और हीलियम के साथ क्या बनेगा, न्यूट्रॉन,
भी नाराज हो गया लगता है। सात क्या बनेगा मेरा बेटा एक न्यूट्रॉन, और साथ हमने देखना कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अबाउट मेरा बेटा 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया सर। एक और फोर्थ पॉसिबल रिएक्शन भी लिख लेते हैं, वो मेरा बेटा ये है कि आप फिर द्वारा ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम को मिलाओ, इससे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास Hg3+2 बन जाए, प्लस आपके पास यहां पे वन न्यूट्रॉन और साथ तकरीबन आपके पास जो एनर्जी है 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक हो गया भाई सर। अब मेरे बच्चे फिर ये इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब कि यार सबसे ज्यादा फिशन रिएक्शन हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, चेन रिएक्शन की बात करते हैं, फिशन रिएक्शन इतना ऑब्जर्वेबल या इतना हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि जब दो न्यूट्रॉन्स को या दो पॉजिटिव पार्टिकल को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा, दो छोटे न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या आ रहे हैं पॉजिटिव, तो उनके दरमियान तो क्या होगी रिपल्शन। तो रिपल्शन एक बहुत बड़ा बैरियर है, जिस बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा किस रिएक्शन के लिए, फ्यूजन रिएक्शन के लिए। किस रिएक्शन के लिए? फ्यूजन रिएक्शन के लिए। फ्यूजन को पैदा करने में इन प्रोटॉन का बहुत बड़ा बैरियर है। अब ये बैरियर तोड़ा कैसे जा सकता है कि या तो ये दो न्यूट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ आए तो ही ये रिपल्शन क्या की जा सकती है, ओवरकम की जा सकती है। दूसरा मेरा बेटा, आप इसको जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से इस रिपल्शन को खत्म किया जा सकता है, या खत्म करने का मतलब ओवरकम उस पर किया जा सकता है। अब मेरे बेटे हाई स्पीड इज अचीव बाय, कैसे हम हाई स्पीड अचीव करते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर फिट करके। उसके अंदर हमें क्या इंजेक्शन करनी होती है, पार्टिकल एक्सेलरेटर की। So, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स आप प्रोवाइड करेंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई। एक्सेलरेटर जो उसकी एक्सेलरेशन में क्या लाए, तब्दीली। ऐसी कौन सी चीजें जो ऐसे पार्टिकल एक्सेलरेटर काम कर सकती हैं। उसके बाद मेरा बेटा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, अप टू 10 मिलियन केल्विन। कितना टेम्परेचर, 10 मिलियन केल्विन। डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी सबसे पहले इस रिएक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए। ठीक हो गया भाई जान। अब हम ये चीज देखिए तो लिमिटेशन आ गई। फिर सूरज समझ बिल्कुल नहीं आई होगी, अगेन मेरा बेटा बता देता हूं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लाते हैं जब तो दोनों में रिपल्शन होती है, तो इस रिपल्शन की वजह से ये रिएक्शन हमें इतना पॉसिबल नजर नहीं आता। जब एक दोनों चीजें फिजिकली इंटरेक्ट कर रही होंगी तो हमें रिएक्शन नजर आएगा, तो इसको ओवरकम करने के लिए बड़ी तेजी से इनको एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा। वो तेजी लाने के लिए डेफिनेटली कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाली चीज हो, जैसे क्या नाम दे दिया, या फिर इतना ज्यादा उसको अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर दूं कि उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, तो उतनी कितनी हीट चाहिए होगी। अब मेरे बेटा बात करते हैं सूरज में होने वाले जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी सबसे पहले लिखा होगा H11, ठीक है, फिर H11 प्लस टू, फिर उसके बाद आपके पास क्या बनता है मेरा बेटा H12 इलेक्ट्रॉन और साथ क्या होती है एनर्जी रिलीज। फिर उसके बाद मेरा बेटा आपके पास H12 और H11 क्या बन जाता है मेरा बेटा H13 और अगेन आपके पास क्या रिलीज होती है मेरा बेटा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ। यहां से गलती हो जाती है और आप माशाल्लाह बता दिया क्या मेरा बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास क्या होगी, इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो मजीद
फिर यही रिएक्शन दोबारा फिर रिपीट होते हैं। साथ गामा रेस भी क्या होती है मेरा बेटा, फोटॉन्स भी बनते हैं, लाइट एमिट होती है जिसे फोटोन कहते हैं, और साथ को रिलीज होती है मेरा बेटा हीट एनर्जी। उसके बाद यही सेम रिएक्शन एक दफा दोबारा से फिर क्या होता है मेरा बेटा, रिपीट होता है। मतलब यही सेम रिएक्शन आपने दोबारा लिखना है, फिर रिपीट होने के बाद आपके पास मेरे बेटे He2 के साथ क्या कंबाइन होता है मेरा बेटा, He2 अगेन, दोनों से आपको यही चीज मिलती है मेरा बेटा। फिर आपके पास क्या बनता है He2 प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन और प्लस क्या एनर्जी रिलीज होगी। अगेन मेरा बेटा ये वो रिएक्शन है जो किस पे हो रहे होते हैं, सूर्य के अंदर, सन के अंदर। इन रिएक्शंस का होना इसकी बर्निंग के लिए जरूरी है। H11 ये बन गया, फिर ये रिएक्शन रिपीट हुआ और फिर ये चीज आपके पास दोबारा से, और ये फिर दोबारा चलता रहता है, बार बार इसका रेपिटेशन चलती रहती है, जिसकी वजह से बर्निंग है जो सूरज के ऊपर वो कॉन्टिन्यू रहती है। अब मेरे बेटे एक छोटा सा, जो कि आपकी बुक का खैर हिस्सा नहीं, हम अगर एक छोटा सा कंपेरिजन करें कि यार फिशन रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल रही थी या फ्यूजन रिएक्शन से मिल रही थी, एक प्रोसेस कर लेते हैं ना हम, क्या ले लें मेरा बेटा। फिशन रिएक्शन के बारे में कल आपने बाइंडिंग एनर्जी का भी पढ़ लिया था और 235 पार्टिकल्स की एनर्जी भी कैलकुलेट की थी पर न्यूक्लियॉन। फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी आ रही थी एक न्यूक्लियॉन के लिए कितनी आ रही थी, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी आती है, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्यूजन रिएक्शन में एक न्यूक्लियर के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्क तो यहां भी आ गया, फ्यूजन की एक न्यूक्लियर के लिए ज्यादा एनर्जी है और इसकी एक न्यूक्लियर के लिए कम एनर्जी है। तो मेरे बेटे मैं ये फर्स्ट कर लेता हूं कि जैसे कि फिशन रिएक्शन में आपने 235 पार्टिकल्स यूरेनियम के लिए लिए, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही थी वो कितनी आ रही थी मेरा बेटा, आपके पास 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फर्ज करो हाइड्रोजन के भी कितने पार्टिकल्स होते हैं, 235, मैं फर्ज कर रहा हूं कि हाइड्रोजन के भी कितने पार्टिकल्स हो, 235। कंपैरिजन करना है तो क्वांटिटी तो सेम प्रोवाइड करनी होगी, तो इसके 235 पार्टिकल के लिए कितनी एनर्जी आती, 352.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस एनर्जी रिलीज होती है मेरा बेटा, न्यूक्लियस फ्यूजन में। तो आपको यहां से बड़ी क्लियरली ये वाज़े हो रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन। क्लियर हो गया मेरा बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फ्यूजन रिएक्शन को सबसे पहले नेचर में ऑब्जर्व किया गया सूरज में। सूरज में कोई ऐसी बर्निंग गैस नहीं है जो जल रही है, सूरज में होने वाला रिएक्शन क्या है, फ्यूजन। जिसके कोर में जब जाके देखा गया तो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम बना रहे थे और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज कर रहे थे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये फ्यूजन का बिल्कुल कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है वो भी लिख दी। उसके बाद सूरज में होने वाले रिएक्शंस की भी बात कर ली और लिमिटेशन भी देख ली। लिमिटेशन ये है कि इसमें जब दो प्रॉपर्टी एक दूसरे के सामने आते तो पहले तो एक दूसरे के साथ कंबाइन ही होते, क्योंकि हमने ये कहा कि दोनों कंबाइन होगी एक हैवी न्यूक्लियस, जब दोनों में चार्ज सेम होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सबसे पहले उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर की, हाई स्पीड क्यों जरूरत है, हाई स्पीड इसलिए कि जब तेजी से एक दूसरे के करीब आएंगे तो दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। पार्टिकल्स एक्सेलरेटर प्रोवाइड करने होंगे और हाई टेम्परेचर के लिए अबाउट 10 मिलियन केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा ताकि दरमियान की जो रिपल्शन है उसमें क्या किया जा सके, ओवरकम हो। इसकी किसमें आ जाता है मेरा बेटा, लिमिटेशन। इज इट क्लियर मेरी जान? तो ये था, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो अल्लाह के हुजूर खत्म हुआ चाहता है। खुश रहें, आबाद रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। MMN नजीर को बाकी सारे लेक्चर्स रिपीटेशन में, कल से सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स की भी बात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सबको आमिर नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।